नमस्कार फ्रेंड्स, संगीता मॉम डेली लाइफ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कच्चे आम की एक ऐसी नई रेसिपी बनाना बताऊंगी जिसे बड़े क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले आम को अच्छे से धो लेंगे और उसे साफ़ करके पोंछ के और इसको हम चाकू की हेल्प से इसके छिलके निकालेंगे। सभी छिलकों को हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए मैं छील रही हूँ और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और इसे हम कट करेंगे आम अमिया को और जो इसका हार्ड भाग होगा उसको हम निकाल देंगे। और ये देखिए मैंने बड़े बड़े पीस काट रही हूँ और ये गुठली को मैं निकाल दूँगी। आप इसे बड़े बड़े पीस में काटिए। ये मैंने 500 ग्राम आम लिया हुआ अमिया ली हुई है और इसे बड़े बड़े पीस में काट लूँगी मैं। और ये जो बीच में गुठली है इसको हम निकाल देंगे चाकू की हेल्प से। इसे आप बारीक नहीं करिएगा और ना पतले ज़्यादा काटिएगा, बड़े बड़े पीस में काटेंगे तो सही अच्छा बनेगा ये हमारा। ये देखिए सारे मैंने काट लिए हैं। इसे बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें पानी को उबाल लेंगे और उसमें अमिया डाल देंगे। अमिया को हमें 5 मिनट के लिए उबालना है ताकि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी निकाल लेंगे हम। का सारा पानी निकाल लीजिए। और ये देखिए जो अमिया निकाली थी और ये मैंने इसमें मिश्री, आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं, ये बारीक वाली मिश्री है मैं इससे बनाऊंगी, मेरे पास रखी हुई थी। आप चाहें धागे वाली मिश्री से बनाइए, गुड़ से भी इसे बना सकते हैं। और मैंने इसे मिश्री से बनाऊंगी, इसे ग्राइंड कर लूँगी मैं, बारीक पाउडर कर लेंगे। और ये देखिए जो अमिया का पानी बचा था इसका मैं पना बनाऊंगी आम का। और इसमें मैंने जीरा डाला हुआ है भुना, इसमें काला नमक डाला हुआ है, आप सादा नमक भी डालिए। और इसमें चीनी डालिए, मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए इसमें चीनी। मैंने इसमें मिश्री डाली है जो पीसी थी अभी मैंने, मिश्री का पाउडर, आप इसे चीनी भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी मिश्री कुछ भी डालिए जो आप पसंद करते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें आप पुदीने की पत्तियां भी डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा आम का पना। ये देखिए आम के आम गुठली हो गए दाम, हमने आम का मुरब्बा भी बनाएंगे और आम का पना भी बना लिया, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस पीने में। इसमें हमने बर्फ़ डाल दी है, आइस क्यूब डाली हुई है, बहुत ही ठंडा ठंडा टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा। और ये जो अमी हमने उबाली थी इसमें मैंने मिश्री का पाउडर डाल दिया है और इसे आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ये अपना सारा पानी छोड़ देगी। इसमें से जो पानी निकलेगा हम उसी से अपना आम का मुरब्बा बनाएंगे। और ये देखिए इसमें कितना सारा पानी छोड़ दिया है, चीनी सब घुल गई है। इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है गाइस, जो हमने मिश्री डाली है उसी से हम ये पकेगा। और ये देखिए कितनी चाशनी बन गई है, आप इसमें कलर डाल सकते हैं, मैंने इसमें हल्दी डाली है, हल्दी से अच्छा कलर आएगा। आप चाहें तो इसमें इलायची डालिए, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं और एक तार की चाशनी बना लीजिए। देखिए गाइस कितनी हल्दी बन गया हमारा आम का मुरब्बा। और इसे एक कांच के जार में निकाल लूँगी, इसे हम साल भर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये।
और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।